नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स एंड न्यूज में। और भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने जड़ दिया एक दोहरा शतक और सेलेक्टर्स को दिखा दिया है अपना दम। जानेंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया वीडियो के नीचे से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दबाइए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सारी अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे सबसे पहले। तो दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को बेशक वनडे टीम से बाहर कर दिया गया हो, लेकिन उनकी वापसी की कोशिश जारी है। आपको बता दें कि रणजी ट्रॉफी के दूसरे राउंड के मुकाबले में रविंद्र जडेजा ने अपने बल्ले से प्रहार करते हुए शानदार दोहरा शतक जड़ दिया। इस मैच में रविंद्र जडेजा ने 23 चौके और 2 छक्के जड़ कर 201 रनों की शानदार पारी खेल दी। जडेजा ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक नाबाद 150 रन बनाए थे और आज दूसरे दिन उन्होंने आसानी से 50 रन जोड़कर अपना दोहरा शतक पूरा किया। और इस मुकाबले में जडेजा 201 रन बनाकर फिर पवेलियन लौट गए। वैसे आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा ने अपनी इस पारी के दौरान एक और बड़ा मुकाम भी हासिल किया है। रविंद्र जडेजा रणजी ट्रॉफी में अब 3000 रन और 150 से ज्यादा विकेट पूरे करने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी भी बन गए हैं। लेकिन दोस्तों, विश्व के नंबर 2 रैंकिंग पर टेस्ट गेंदबाज रविंद्र जडेजा पिछले 3 वनडे सीरीज से टीम इंडिया का हिस्सा नहीं है। पहले श्रीलंका, फिर ऑस्ट्रेलिया और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्हें टीम में जगह नहीं दी गई है। लेकिन अब टीम से बाहर होते ही रविंद्र जडेजा अपनी फॉर्म बदल रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, जिससे कि शायद भविष्य में भारतीय क्रिकेट टीम के सेलेक्टर्स रविंद्र जडेजा को वापस से टीम में जगह दे दें। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, रविंद्र जडेजा की जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद उनको टीम में जगह दी जानी चाहिए? हमें कमेंट में अपना जवाब जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ताकि ऐसे ही क्रिकेट जुड़ी सारी अपडेट्स तो पहुंचती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।